बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको स्टूडेंट्स का पेपर दिखाया जाएगा जिसके मैट्रिक में 1078 मार्क्स थे। 1100 में से 1078 मार्क्स थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो आपको बेल आइकन मिले उसे प्रेस करें ताकि हम इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुँच सके। तो आपके सामने जो पेपर है ये फर्स्ट ईयर उर्दू का पेपर है। इस स्टूडेंट्स के मैट्रिक में 1078 मार्क्स थे। तो आज हम देखेंगे जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम ये देखेंगे फर्स्ट ईयर उर्दू के पेपर को कैसे हल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं और उनके कितने नंबर होते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। टोटल आपका जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा। 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके 80 मार्क्स होते हैं, 80 नंबर होते हैं। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट्स। ओवरऑल इसको मिनट्स में देखें तो ये बनते हैं 160 मिनट। 160 मिनट में ये आपने सब्जेक्टिव पार्ट करना होता है जिसके 80 नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब आप पेपर शुरू करते हैं तो सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं सवाल नंबर दो, क्योंकि सवाल नंबर एक तो आपके एमसीक्यूज होते हैं। सवाल नंबर दो अशार की तशरीह आप शुरू कर देते हैं, हालांकि इसे आखिर में करना चाहिए, ठीक है। पहली गलती आप ये करते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कैसे करते हैं, वो सबसे आसान चीज़ पहले करते हैं। जैसे ये देखें, इसने सबसे पहले सवाल नंबर पाँच किया है। सवाल नंबर पाँच क्या है इसमें देख लेते हैं। सवाल नंबर पाँच आपका जो बोर्ड में होगा वो होगा नज़म का खुलासा, ठीक है। एक बोर्ड का पेपर है, नज़म का खुलासा, ठीक है। इस पेपर के मुताबिक मुस्तकबिल की झलक है, तो इसने क्या किया है, ऊपर नज़म का नाम लिखा है, शायर का नाम लिखा है और नीचे उसका खुलासा लिख दिया है। अब बात करते हैं खुलासा कितना लिखना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसकी जो लेंथ है 7 से 8 लाइंस होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स इसे लेंथी यानी लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं। जितना आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे उतने आपके नंबर कम होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 12 लाइंस में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे आपके नंबर कम आएंगे। दूसरे नंबर पर खुलासे में आपने कोई शेर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अब बात करते हैं कितने मिनट्स में ये लिखना चाहिए, ये खुलासा 5 मिनट्स में लिखना चाहिए। इसके 5 नंबर हैं, 5 मिनट्स में ये आपने लिखना है। उसके बाद कौन सा सवाल करना चाहिए, सवाल नंबर 7 करना चाहिए, ठीक है। बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर जो 7 है, दरख्वास्त होगी, आपकी एप्लीकेशन होगी। तो इसके जो नंबर होते हैं बोर्ड के पेपर में 10 नंबर होते हैं, 15 मिनट्स में ये आपने लिखनी होती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन 15 मिनट्स में आपने लिखनी है। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितनी यहाँ पर है, ठीक है। ये एक सैम्पल पेपर है, इतनी आप अगर ये एप्लीकेशन लिखते हैं आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लिखने का तरीका कार क्या है सब कुछ इसमें मौजूद है। अगर आप ये पेपर हासिल करना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करें, वहाँ पर एक फेसबुक पेज का लिंक है, आप उसे ओपन करें, वहाँ पे ये आपको पेपर मिल जाएंगे। तो साथ आपने उस पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना है। उसके बाद सवाल नंबर 8 क्या है, सवाल नंबर जो 8 आपका होगा ये आपकी तलखीस होगी। अब बात करते हैं तलखीस की। इसके टोटल नंबर 10 होंगे, 10 में से 2 नवान के होते हैं, 8 नंबर इसकी तलखीस के होते हैं। तो कितने मिनट्स में ये आपने करना है, ये 20 मिनट्स में ये तलखीस आपने करनी है, ठीक है। तो ये देखें तलखीस, अगर अगर जो पैराग्राफ है उसकी 9 लाइंस हैं, आपने उसकी तलखीस 3 लाइंस में करनी है, ठीक है। उसको आपने मुख्तसर बयान करना है, समझ लें कि इसका आपने खुलासा बनाना है। जैसे ये देखें तलखीस, कोशिश करें जो तलखीस आपकी 5-6 लाइन तक हो। नीचे उनवान, उनवान कम से कम आप 2 लिखा करें, ठीक है। इसके 2 नंबर होते हैं, ये आपने 20 मिनट्स में करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 4 आपने करना है। सवाल नंबर जो 4 है ये सबक का खुलासा होगा, 2 देगा, 2 में से कोई 1 आपने करना होता है। 20 मिनट्स में ये आपने करना है, ठीक है। 20 मिनट्स में ये आपने करना है।
अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? जैसा ये देखें, यहाँ से शुरू की है। सबसे पहले आपने सबक का उनवान बताना है, उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, फिर आगे वो स्टार्ट कर देना है। ये जो माखज़ या दौरे हयात है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे ये साबित होता है, जो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट है वो लिखते हैं, इससे टीचर को ये पता चलता है कि इसे ये सबक बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है। तो यहाँ से ये खुलासा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आगे वाला पेज, ठीक है, ये कंप्लीट, यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए, जितना ये लिखा है इतना आपने लिखना है। तो ये आपने 20 मिनट्स में लिखना है, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर जो 6 है, इसमें ऑप्शन होती है, या तो आप मुकालमा लिख सकती हैं या रूदा लिख सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लें। कुछ स्टूडेंट्स मुकालमा लिखती हैं, कुछ रूदा लिखती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने 20 मिनट्स में ये आपने लिखना है। इसके 10 नंबर होंगे, ठीक है, 10 नंबर होंगे। तो अगर रूदा लिखना चाहते हैं, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो देख लें। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट साइड, उसके बाद ये आगे वाला कंप्लीट पेज, ठीक है, ये कंप्लीट पेज, इसमें अशार भी ऐड किया करें। अगर कोई कुरानी आयत आपको आती है वो आप ऐड करें, कोई हदीस आती है वो आप ऐड कर सकती हैं। मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ से ये स्टार्ट करें, ये साइड कंप्लीट, ये साइड कंप्लीट, मिनिमम इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम ये आगे वाला पेज लिख सकती हैं, ये इसने आधा किया, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 आपको दो पैराग्राफ देगा और ये कहेगा आप बताएं ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, यानी सबक का उनवान बताएं, उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, फिर सियाको सबाक और फिर उसकी तशरीह, यानी ये पार्टीशन की है, एक नंबर उनवान के, एक मुसन्निफ़ के, 3 नंबर सियाको सबाक, 10 नंबर तशरीह के होते हैं, ठीक है। अगर इसकी 3 लाइंस बनती हैं, तशरीह जो आपने करनी है 9 लाइंस, यानी उसे 3 गुना ज़्यादा कर देना है, दो में से कोई एक आपने करना होता है, दो आपको देगा। 20 मिनट्स में ये आपने काम करना है, ठीक है। जैसे ये देखें, सवाल नंबर 3 है, उसने अपने पेपर के मुताबिक बे पार्ट किया है, सेकंड पार्ट किया है। सबसे पहले सबक का उनवान 1 नंबर, मुसन्निफ़ का उनवान 1 नंबर, इसका नंबर कोई नहीं होता, अगर आप ऐड करते हैं तो इससे टीचर को ये पता चलेगा कि स्टूडेंट को ये सबक बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है। सियाको सबाक 7 से 8 लाइंस में आपने लिखना है, इसके 3 नंबर होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर लिखना चाहते हैं 10 से 12 लाइन तक लिख सकते हैं। अब बात करते हैं तशरीह की, इसकी तशरीह मिनिमम कितनी होनी चाहिए। यहाँ से आपने शुरू करना है, ये सिंगल साइड, ठीक है, इसमें कोई कोल या कोई शेर आपको याद आता है वो आपने ऐड कर देना, ये और ये पेज, ठीक है। इतना आप लिखेंगे आपको 10 नंबर इस तशरीह के मिल जाएंगे। ये अजाफी लिखा है, अगर आप लिखना चाहते हैं आपको ज़्यादा आता है तो फिर आप लिख सकती हैं, ठीक है। उर्दू में आप जितना लिख लें उतना ही आपके लिए काम में है, ठीक है। जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतने आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आखिर में रह जाता है सवाल नंबर 2, जो आप सबसे पहले करते हैं, इसे सबसे आखिर में करना चाहिए। सवाल नंबर 2 क्या है? इसमें कुछ अशआर देगा आपको, नज़म से देगा और कुछ गज़ल से देगा, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होती, 2 अशआर आपको नज़म से देगा, जिसके 8 नंबर होते हैं, तशरीह के 8 नंबर, 1 नंबर आपने नज़म के उनवान का लिखना है, यानी किस नज़म से ये अशआर लिए गए हैं और शायर का नाम, एक एक नंबर इनके, और तशरीह के 4 4 नंबर होते हैं, ठीक है, यानी टोटल इसके 10 नंबर। जो सेकंड पार्ट है, इसमें है गज़ल के कुछ अशआर देगा, उनकी आपने तशरीह करनी है, हर शेर की तशरीह के 3 नंबर होंगे, 3 3 नंबर, एक ही गज़ल से अशआर दिए जाएंगे। आपने ये भी बताना है कि ये जो गज़ल है किस किस शायर की है, 1 नंबर उसका होगा, 1 नंबर उसका होगा, और 3 जो अशआर होंगे उनकी तशरीह के 9 नंबर, टोटल 10 नंबर बनेंगे।
इन दोनों को आपने इकट्ठा आखिर में करना है। इसके लिए आपके पास जो टाइम बचा हुआ है अभी तक वो 60 मिनट्स बचे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये काम शुरू कर देना है। ये सारा जो नज़म है पहले लिखें, नज़म का उनवान, ठीक है, एक नंबर। शायर का नाम, नाम का एक नंबर, ठीक है। उसके बाद मफहूम का नंबर वैसे कोई नहीं होता, अगर ये आप लिख लेते हैं तो इससे ये है कि टीचर को ये पता चलता है कि इस बच्चे की तैयारी कितनी है। वो मफहूम देख के उसे पता चल जाता है कि क्या इसे तशरीह आती है या नहीं। मफहूम लिखने का फ़ायदा है, तो यहाँ से ये तशरीह शुरू कर दी है, ठीक है। तशरीह में अशआर लाजमी ऐड करें किया करें, अगर शेर ऐड नहीं करेंगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक जो शेर है, जैसे पहला जो शेर बनता है उसका मफहूम और तशरीह ये कितने होने चाहिए, ये यहाँ तक होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अजाफी कर दी है अशार वगैरह ऐड करके, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यहाँ से आपने शुरू किया है यहाँ पे आके ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसने पहले शेर की इतनी तशरीह कर दी। उसके बाद सेकंड शेर को आपने सिर्फ मेंशन कर देना, ये सेकंड है, मफहूम तशरीह यहाँ से शुरू करनी है, ठीक है, यहाँ तक आपने कर देनी है, ठीक है। जो अशार आपको आती हैं, कुरानी आयत आती हैं, वो आपने लिख देनी है, ठीक है, इसका यहाँ पे ख़त्म हो। इसी तरह गज़ल का कोई शेर पकड़ना है, उसका शायर का नाम लिखें, मफहूम तशरीह जो आपने स्टार्ट करनी है उसकी लेंथ आपको बता दी है, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट साइड। उसके बाद ये दूसरा सेम वही तरीका कार है, ठीक है। अगर ये आपको पेपर चाहिए तो नीचे लिंक मौजूद है, आप फेसबुक पेज से जाके ये पेपर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।